हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और आज के इस वीडियो में अगेन मैं आपसे बात करूंगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोस्ट 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 IMP, वही क्वेश्चंस आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इसमें जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 176 से। इससे पिछले जो भी 1 से लेकर के 175 पॉइंट थे वो सभी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी वन लाइनर GK की प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करें और इन सभी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो 176 नंबर है हमारा कि भारत में किस राज्य का अपना अलग से एक संविधान है। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर को जो बिल्कुल संविधान अलग करता है तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल है 370, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अधिकार है कि वो अपना अलग से संविधान बना सकता है। 177, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। पॉइंट नंबर 178, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित होगा, इंग्लैंड के सम्राट से। 179, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए कहते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट बॉडी है। 180 है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है, तो ये है आपकी जनता में। 181, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण बनाए रखने तथा उसके रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें, तो ये किया गया है प्रस्तावना में। पॉइंट नंबर 182, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या है कितनी, तो ये है आपकी 400 से अधिक। 183, भारत में कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है, तो ये है आपका राज्यसभा। 184, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। 185, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है आपका राष्ट्रपति। अगर बात करें जाए किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। 186 नंबर है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं एवं मान्यताएं प्रदान की जाती हैं, तो ये है आपका कैबिनेट मंत्री के। 187, बिना वित्त के पंचायतों को विभिन्न कर्तव्य वे अधिकार देना, मृत औरत का श्रृंगार एवं मान्यताएं प्रदान की जाती हैं, तो ये है आपका सरदार पटेल। ये जो कथन था ये किसका था, ये कथन था कंप्लीट सरदार पटेल का। 188, कौन सी समिति तदर्थ समिति है, तो ये है आपका प्रवर समिति। 189, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्राकरण समिति को। 190, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, भारत सरकार अधिनियम 1935। 191 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, तो ये है आपका भाग 4। 192, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो वो है आपका वित्त आयोग, जो डिसाइड करता है कि वितरण किस प्रकार से होगा। 193, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ये है आपका ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। पॉइंट नंबर 194 है, वर्तमान में मतलब अभी जो वर्तमान चल रहा है उसमें भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो ये है आपकी 12। 195, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये है आपकी पहला। 196, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 5 से 11 जो भी आर्टिकल है ये संबंध रखता है नागरिकता से। 197, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो ये है आपका एकल नागरिकता। 198, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका संसद। 199, भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं,
तो ये हैं आपके दो, लोकसभा और राज्यसभा। 200 नंबर है आपका, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है, तो ये होता है आपका प्रखंड स्तर पर। 201, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है क्या, ग्राम पंचायत। 202, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है, तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष, जिसको बोलते हैं स्पीकर। एग्जाम में कभी कभी आपको लोकसभा अध्यक्ष भी दे सकता है ऑप्शंस में, या फिर आपको देगा स्पीकर, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन अपनी पैदा नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ के तो जाते हैं लेकिन ऑप्शंस हमको कुछ यूनिक मिलता है, वहीं पर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और हम सही आते हुए आंसर भी गलत पे टिक लगा के अपना आ जाते हैं। 203 नंबर है, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, तो ये है आपका आर्टिकल 252। 204 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो वो है आपका आर्टिकल 249। पॉइंट नंबर 205, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया, तो उनका नाम है पीके सनमुगम चेट्टी। 206, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे आपके बी एन राव। 207, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो ये है आपके भारत की जनता में शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। 208 नंबर है हमारे सामने, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो यह है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। 210 मतलब 210, किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी, तो वो होगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। 211, 211 नंबर है, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है, तो उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार होता है। 212, भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये वर्ष कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो पूरा वर्ष विद मंथ और डेट आपको याद रखनी है, मतलब 24 अप्रैल 1994, ये पूरी फिगर आप याद कर लीजिएगा। 213 नंबर है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव कहां पारित होना चाहिए, तो संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा। 214, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कौन करता है, तो ये करता है आपका उच्चतम न्यायालय। 215 नंबर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है, तो ये है आपका आर्टिकल 75(3). 216, संसद के किसी सदन में गण पूर्ति के लिए नियत संख्या है सदन के सदस्यता का 10वां भाग। 217, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई, तो ये है आपका केशवानंद भारती मामले में। 218 नंबर, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है, जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर विराजमान रहता है। 219, संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है 14। 220 नंबर है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा द्वारा घोषित सूची का सदस्य, मतलब उसी के मेंबर डिसाइड करेंगे कि कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, राइट। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी नॉलेज गेन पक्का हुई होगी। अगर नहीं हुई है, मतलब कि आपको पहले से सब चीज़ें पता थी, तो ऑल द बेस्ट, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आपकी नॉलेज वीक थी इस वीडियो को देखने के बाद, आपको लगता है कि यार ये तो काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए, तो बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पिछले जो भी वीडियो हैं उन सबको आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको पेन डाउन करें। अगर एग्ज़ाम में आपका 5 to 6 month पड़ा है तो आप प्लीज़ लूसेंट की जो भी वीडियो बन रखी हैं इस चैनल पर लूसेंट जी के नीली वाली जो बुक है उसकी कंप्लीट वीडियो बन चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा वो प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करें, 56 वीडियो समथिंग उसमें है, वो सभी वीडियो आप वॉच करें, अपने नोट्स बनाएं और इसका रिविज़न ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को शेयर करिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। आप भी आगे बढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। आज आप अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करते हैं, क्या पता उसको कल इससे अच्छा कोई वीडियो यूट्यूब पर मिल जाए, वो उसका लिंक आपको शेयर कर सकता है। तो इसलिए हेल्प का सिलसिला, सहायता का सिलसिला प्लीज़ समाप्त ना करें और ना ही इसको होने दें। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।